हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिशियन में पढ़ेंगे क्या, चालक अचालक अर्धचालक एवं वैद्युतिक केबल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम, चालक अचालक अर्धचालक एवं वैद्युतिक केबल पढ़ेंगे। ठीक है, देखो दोस्तों इससे पहले जो है जो 18 नंबर का क्लास है वो जो है आपका टूल्स से था, विद्युत कार्य के लिए कौन सा औजार चाहिए उसका जो है हमने इससे पहले का क्लास लिया है। ठीक है, और आज का जो हमारा भाग है, भाग एक है, ठीक है, भाग एक है और ये क्लास 19 है, 19 नंबर का यह क्लास है और जो है कि भाग एक है। किसका भाग एक है, तो वो है चालक अचालक अर्धचालक एवं वैद्युतिक केबल। तो देखिए दोस्तों ये भाग एक इसलिए है, इसमें ये कई भाग में विभक्त होगा ये क्लास। ठीक है, ये जो है हमारा ये पूरा जो अध्याय है कई भागों में बट के जो है आपको बताया जाएगा, क्योंकि ये केवल एक वीडियो पूरा नहीं हो सकता है, वो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि हम आपको एक एक चीज जो है बिल्कुल हम वहीं से उठा के बताएंगे जो एग्जाम में बिल्कुल आएगा ही। ठीक, तो आप लोग बिल्कुल एकदम धैर्य बना करके और मेरे साथ एकदम नोट्स अच्छे से तैयार करिए, और देखिएगा नोट्स तैयार करने के बाद जब एग्जाम देने जाए तो उससे पहले जो है आप लोग इसको जो है रिवीजन कर ले और रिवीजन करके ही जाए। मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों का एक भी जो है क्वेश्चंस जो है एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, मतलब कि इस चैप्टर से बिल्कुल जो भी पढ़ाया जा रहा है उससे नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो मैं एक एक चीज को पूरी गहनता से पूरा एनालिसिस करके हम आपको ये बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या चीज, चालक अचालक अर्धचालक एवं वैद्युतिक केबल के बारे में हम शुरू करते हैं। ठीक, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा और इसको नोट भी करिएगा। ठीक है, तो पहले सुन लीजिएगा फिर नोट करिएगा। ओके, आप या तो आप लोग स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं और बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, भारतीय विद्युत नियम यानी कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, जो भारतीय विद्युत नियम है। देखिए कोई भी चीज को, जैसे मान लीजिए कि अभी हमारा संविधान बना है देश को चलाने के लिए, ठीक है, रूपरेखा पूरा तैयार किया गया है, आर्टिकल है उसमें पूरा देश को चलाने के लिए, तो वैसे ही जो है जो भारतीय विद्युत नियम है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है, इलेक्ट्रिसिटी को संचालन करने में हमारा एक स्टैंडर्ड है, उसको भाई विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी नियम कानून है हम इसके अंतर्गत देखेंगे। तो ध्यान से थोड़ा समझिएगा, देखिए भारतीय विद्युत नियम में हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS जो भारतीय विद्युत नियम है वो किसने जारी किया है, BIS ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने IS यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड 732 से 1963 और IS 4468 यानी कि 4648 एवं NE कोड नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के अंतर्गत वायरिंग की स्थापना के संबंध में कुछ नियम बनाए हैं। देखिए अब ये जो हमारा है BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसका जो है यहां पे बताया जा रहा है क्या कि वायरिंग की स्थापना के बारे में कौन से नियम के आधार पे BIS ने जो है IS 732 और 1963 और फिर IS 4648 एवं NE कोड यानी कि नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के अंतर्गत जो है वायरिंग की स्थापना कैसे की जानी है, क्या सावधानियां होनी चाहिए, कैसा जो है उसमें उपकरण यूज करना है, इन सब चीजों के बारे में जो है एक BIS ने रूल दिया है, नियम दिया है। ठीक है, अब देखिए अब इसके कुछ संबंध में जो है हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, क्या क्या जो है सावधानियां है, क्या क्या चीज इसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चंस बनता है। अब देखा जाए तो देखिए ये पहला लाइन से ही पहले तो क्वेश्चन बन जाएगा, कैसे बनेगा, डायरेक्टली ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, ये पूछा गया जो बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, पूछ देता है कि BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, BIS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए दोस्तों BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये चीज जो है आपको बिल्कुल याद रखना है, एक नंबर का आपका काम बिल्कुल हो गया। ठीक है, आगे देखिए NE कोड, अब पूछ देगा कि NE कोड क्या है, तो नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड होता है, तो इसको भी याद रखना है साथ ही साथ। ठीक है,
चलिए तो हम जो है इसके संबंध में यानी कि IS 732/1967 यानी कि वायरिंग के स्थापना के संबंध में हम कुछ जो है देखते हैं रूल क्या चीज है। तो देखिए यहां पे जो है पहला नियम है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहला जो है कह रहा है कि वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना एवं उसकी मरम्मत, वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना मतलब कि वायरिंग कैसी करनी है और उसकी मरम्मत कैसी करनी है, किसी लाइसेंसधारी ठेकेदार से ही क्या करना चाहिए, लाइसेंसधारी ठेकेदार से ही कराया जाना चाहिए। क्या चीज, स्थापना या उसकी मरम्मत। कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल काम जो होता है, जैसे मान लीजिए कि हमको घर में वायरिंग करना है या पोल से जो है हमको पोल से जो है हमको क्या करना है कि विद्युत केबल को लेकर घर में हमको वायरिंग करवाना है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन से वायर लाना है और घर में जो है हमको फैन हो या आपका बल्ब हो, चाहे पंखा हो बल्ब हो ठीक है, या कोई भी अन्य इलेक्ट्रिक उपकरण हो, उसको जो है स्थापना के लिए या मरम्मत के लिए कोई एक लाइसेंसधारी ठेकेदार जो लाइसेंसधारी हो उसी से करवाना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी नहीं, झोला छाप नहीं, समझ रहे हैं, लेकिन हमारे देश में जो है झोला छाप ही ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा नियम है, तो हम नियम के हिसाब से अभी देखेंगे, ठीक है। अभी अभी आप लोग बिल्कुल केवल इधर ध्यान दीजिए नियम की तरफ, ठीक है। बाद में आप क्या करवाते हैं वो तो हम आप और हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो आप लोग पहला समझ गए कि वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना जो है उसकी मरम्मत किसी लाइसेंसधारी ठेकेदार से ही करवाना चाहिए, ठीक है। ये पहला जो है नियम था। दूसरा नियम है हमारा इसमें कि वैद्युतिक वायरिंग में प्रयुक्त सहायक सामग्री जो होता है, अब देखिए वैद्युतिक वायरिंग में क्या क्या प्रयुक्त सहायक सामग्री होगी, टूल्स में मैंने कुछ बताया भी था, जैसे मान लीजिए कि पेचकस हो गया, ठीक है, या वायरिंग के लिए वो तो औजार में आ जाएगा। अब मान लीजिए कि वायर चाहिए, स्विच चाहिए, ठीक है, बोर्ड चाहिए, ये सब चीज़ें जो है मतलब जो इसका उप सामग्री है वो ISI यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन चिन्ह युक्त होने चाहिए। आप लोग देखे होंगे ISI का मार्का ऐसे होता है, ISI और ऐसे करके होता है, कुछ ऐसे करके होता है एस बना करके और बीच में ISI होता है, ठीक है, कुछ इसी टाइप का होता है। तो आप बिल्कुल देख लीजिएगा, ठीक है, अगर फिगर में अगर दे दे ऑप्शन में तो ये भी आ सकता है ISI। तो ISI का भी आप लोग बिल्कुल फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए उपकरण या उसका सामग्री कैसा होना चाहिए, ISI मार्का चिन्ह युक्त यानी कि मार्का युक्त होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए अगला जो है हमारा वो है कि वैद्युतिक वायरिंग को उप परिपथों में व्यक्त किया जाना चाहिए, उप परिपथों में व्यक्त किया जाना चाहिए, लाइट और फैन तथा पावर के लिए अलग अलग उप परिपथ तैयार किया जाना चाहिए। मतलब कि क्या, जैसे मान लीजिए कि कोई लोग क्या होता है कि एक ही वायर में सब कुछ फिट कर दिया, एक ही वायर लाया और सब कुछ फिट कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, अलग अलग यूज करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक वायर है बोर्ड से लाए हैं और उसमें से पंखा भी उसी वायर से चला रहे हैं, कूलर भी उसी वायर से चला रहे हैं, सब कुछ एक ही चीज़ से करना है, तो ऐसा नहीं है, सबके लिए अलग अलग एक परिपथ होना चाहिए, हर रूम के लिए एक अलग अलग परिपथ, एक अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, इसके नियम के अनुसार। अब क्या करते हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आगे देखिए, ये देखिए आगे जो है लाइट एंड फैन के प्रत्येक उप परिपथों में 10 से अधिक और पावर के उप परिपथों में 2 से अधिक उपभोग बिंदु नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए क्या चीज बोल रहा है कि लाइट एंड फैन के प्रत्येक उप परिपथ में लाइट और फैन लगा है, तो लाइट और फैन में जैसे मान लीजिए कि एक अगर मेन लाइन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेन सर्किट बोर्ड लगा है, अब वहाँ से आ रहा है घर में, तो जैसे मान लीजिए कि अगर एक वायर है तो कम से कम अगर बल्ब जलाना हो तो छोटा छोटा उपकरण, ठीक है, बल्ब जलाना हो, पंखा जलाना हो, तो चलिए हम एक वायर से कर सकते हैं, उसके लिए कम से कम 10 को परिपथ बना सकते हैं, चलिए, ठीक। लेकिन अगर दूसरा पावर के लिए, जैसे कि हीटर हो गया, चाहे फ्रिज हो गया, इन सब चीज़ों के लिए जो जिसमें ज़्यादा बिजली उपभोग किया जाए, तो उसके लिए कम से कम 2 यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि एक ही सप्लाई आए तब, ठीक है, एक सप्लाई में अलग अलग जो है, जैसे मान लीजिए कि एक सप्लाई आया ट्रांसमिशन लाइन से, उसमें से जो है 2 क्या करेंगे पावर के लिए और बाकी 1 से हम 10 कम से कम परिपथ उप परिपथ बना सकते हैं बल्ब और पंखा वगैरह के लिए, ठीक है, ये चीज, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट कर लीजिएगा, इसको मिटाया जाए और
आगे देखते हैं, अभी अभी इसमें कुछ और नियम है। चलिए ठीक है, हम इसको मिटाते हैं और आप लोग बिल्कुल मेरे साथ एकदम इसको नोट्स तैयार करते रहिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे लिखते हैं और आगे बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगला नियम है पांचवा नियम। पांचवा हमारा नियम है लाइट एंड फैन उपपरिपथ का कुल लोड 800 वाट और पावर उपपरिपथ का कुल लोड 3000 वाट, ठीक है, 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? लाइट एंड फैन के लिए 800 वाट कुल लोड और पावर उपपरिपथ के लिए कुल लोड 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवरलोड से क्या होगा, ओवरलोड से केबल्स में या वायर में क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, उसका जो है प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका गलनांक भी, गलनांक क्या हो जाएगा, मतलब कि वो तुरंत गल जाएगा, ठीक, यानी कि क्या शॉर्ट सर्किट भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, विद्युत उपकरण में जो है लैंप जो है 60 वाट का, ठीक है, सॉकेट जो है 100 वाट का, फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है 40 वाट का। देखिए ये कि मानक है, केवल केवल क्या है, ये मानक, ठीक है, स्टैंडर्ड क्या है, वैल्यू है, ये मानक है केवल, ध्यान रखिएगा इस चीज का। फ्लोरोसेंट ट्यूब 40 वाट का, छत का पंखा जो है 60 वाट का, मरकरी वेपर लैंप जो है 80 वाट का और पावर सॉकेट जो है 1000 वाट का। यहाँ पे सॉकेट दिया है 100 वाट का, मतलब क्या, सॉकेट मतलब कि छोटा छोटा चीज, छोटा छोटा उपकरण, जैसे क्या चार्जर वगैरह हो गया, छोटा मोबाइल का चार्जर वगैरह, उन सब चीजों के लिए एक जो पावर सॉकेट होगा, सॉरी सॉकेट होगा वो 100 वाट का होना चाहिए। और यहाँ पे जो लास्ट में दिया है पावर सॉकेट वो 1000 वाट का, जैसे कि हीटर वोटर हो गया, इंडक्शन हो गया, इन सब चीजों के लिए, ठीक है। ये चीज है, बात समझ आ रही है। देखिए अभी हमने क्या बताया कि लाइट एंड फैन का उपपरिपथ का कुल लोड 800 वाट, उसका कुल लोड लाइट एंड फैन का मतलब यहाँ पे समझिए कि लाइट एंड फैन, और उसके अलावा जैसे कि सेलिंग फैन तो है ही है ऊपर वाला, और फिर स्टैंड वाला फैन, ये सब जो चीज है छोटे छोटे उपकरण, वो क्या होना चाहिए, उसका पूरा लोड जो है 800 वाट और पावर उपपरिपथ का कुल लोड जो है 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लाइट एंड फैन का यहाँ पे मतलब समझिएगा क्या, उसमें सॉकेट वगैरह, फ्लोरोसेंट ट्यूब, छत का पंखा, ये सब चीज, ठीक है, ये सब चीज उसमें ऐड कर लीजिएगा, लाइट और फैन। और यहाँ पे पावर की बात करेगा, पावर की बात यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, तो इस पावर का मतलब समझिएगा कि यहाँ पे आपका बड़ा बड़ा उपकरण, ठीक है, जिसमें जो है हमने अभी क्या बताया कि अब हीटर हो गया या इंडक्शन हो गया, ये सब चीज जो है वो पावर सॉकेट का उपयोग करेंगे, जो कि 1000 वाट का होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बताते हैं। तो दोस्तों आगे देखिए, हमारा छठा नंबर है, छह नंबर नियम है, नियंत्रक स्विच बोर्ड, जो हमारा एक्सटेंशन बोर्ड होता है, नियंत्रक स्विच बोर्ड जो है फर्श से ऊंचाई जो है 1.3 मीटर होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, जो एक्सटेंशन बोर्ड की ऊंचाई जो होनी चाहिए वो फर्श से 1.3 मीटर ऊंचाई पे होना चाहिए, ठीक है। और यह कक्ष के प्रवेश द्वार के जैसे कि कोई कमरा है, जैसे प्रवेश कर रहे हैं उसके जो है कक्ष के प्रवेश द्वार के निकट बाई ओर, जैसे कि हम प्रवेश कर लिए, ठीक है, और उसके निकट जो है ऐसे बाई ओर क्या होना चाहिए, हमारा एक्सटेंशन बोर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्सटेंशन बोर्ड होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, नियंत्रक स्विच बोर्ड होना चाहिए, ठीक है, कहाँ होना चाहिए, बाई ओर, ठीक है, कक्ष के जैसे ही हम क्या बाहर से निकलने वाली स्थिति, अंदर से, ठीक है, अंदर से बाहर जा रहे हैं कमरे में, ठीक है, तो राइट साइड में बोर्ड होना चाहिए इधर, ठीक है, एक्सटेंशन बोर्ड होना चाहिए। ऐसे बाहर रूम से बाहर निकल रहे हैं तो ये बाएं साइड होना चाहिए, बात समझ में आ रही है। आगे देखिए, सॉकेट जो होता है, सॉकेट सामान्यतः 3 पिन वाला ही स्थापित किया जाना चाहिए। सॉकेट जो है
सामान्यतः जो है 3 पिन वाला ही स्थापित किया जाना चाहिए, ठीक है। और उसका जो है अर्थिंग पिन, भाई स्विच बोर्ड कहता है, सॉकेट कैसा होता है, ऐसे होता है ना 3 पिन का इस टाइप में होता है। देखिए ये जो तीसरा होता है ये अर्थिंग के लिए होता है, क्या होता है, अर्थिंग के लिए, ठीक। बाकी फेज, ठीक है। तो जो क्या है, सॉकेट सामान्यतः 3 पिन वाला ही स्थापित किया जाना चाहिए, और उसका अर्थिंग पिन जो है, अर्थिंग पिन आवश्यक रूप से अर्थ किया जाना चाहिए। आवश्यक रूप से क्या किया जाना चाहिए, जमीन से जुड़ा होना चाहिए, यानी अर्थ किया जाना चाहिए, ठीक। लाइन एंड फैन, लाइट एंड फैन जो परिपथ में है, लाइट एंड फैन परिपथ में 5 एम्पियर तथा पावर, पावर परिपथ में, पावर के परिपथ में 15 एम्पियर और 240 वोल्ट रेटिंग वाला सॉकेट को 1.3 मीटर से कम ऊंचाई पर, अगर जरूरी हो तो उस पर ढक्कन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, उस पर ढक्कन होना जरूरी है। क्या बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए कि अगर भाई मानक क्या है हमारा, फर्श से 1.3 मीटर ऊंचाई पर हमको एक्सटेंशन बोर्ड लगाना है। अगर कोई किसी कोई अगर जरूरत हो, आवश्यक हो, अगर आप उसको नीचे लगा रहे हैं, नीचे जरूरत हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जैसे प्रेस हो गया आयरन, या कोई अन्य भी चीज़ है, हीटर है, इंडक्शन जो भी है, उसके लिए हमें नीचे ही चाहिए होता है, तो उसमें जो है हमको वो ढक्कन युक्त होना चाहिए। जो एक्सटेंशन बोर्ड होगा वो क्या होगा, ढक्कन युक्त होना चाहिए, उसमें ढक्कन लगा होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे है, छत के पंखों का ब्लेड, देखिए छत का जो सेलिंग फैन होता है, पंखा का ब्लेड और फर्श के बीच में जो है 2.4 मीटर और अधिकतम जो है 3 मीटर का अंतर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, देखिए छत के पंखों का ब्लेड जो होता है, छत के पंखों का जो सेलिंग फैन होता है उसका ब्लेड, ठीक है, ब्लेड से लेकर के, ठीक है, ब्लेड से लेकर के और फर्श तक के बीच में क्या होना चाहिए, 2.4 मीटर का जो है अंतर होना चाहिए। कितना मीटर का, 2.4 मीटर का अंतर, अधिकतम जो है 3 मीटर का अंतर होना चाहिए। मिनिमम जो है 2.4 मीटर और अधिकतम जो है 3 मीटर तक का अंतर होना चाहिए, फैन का जो सेलिंग फैन है उसका ब्लेड और फर्श के बीच में जो अंतर है, ठीक है। कितना होना चाहिए, 2.4 मीटर और अधिकतम 3 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कैसे पूछ सकता है कि एक्सटेंशन बोर्ड लगाने के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी हो सकती है, तो बताएंगे 1.3 मीटर, ठीक है। फिर बोल देगा कि जो है दरवाजा, जो प्रवेश द्वार है, कक्ष के प्रवेश द्वार है, उसके कौन से साइड में जो है एक्सटेंशन बोर्ड को स्थापित करना चाहिए, तो बाई के बाएं तरफ, ठीक है, कौन से तरफ, कक्ष के बाई तरफ, ओके। आगे देखिए, आगे जो है इसमें जो कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि सॉकेट को सामान्यतः 3 पिन वाला स्थापित क्यों किया जाता है, तो पूछ सकता है कि सॉकेट में जो 3 पिन वाला है, तो जो उसमें ऊपर वाला भाग है, ठीक है, तो वो जो है किस चीज के लिए दर्शाता है, तो वो अर्थिंग के लिए दर्शाता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। लाइट एंड फैन परिपथ में 5 एम्पियर तथा पावर परिपथ में 15 एम्पियर 240 वोल्ट का रेटिंग वाला ही सॉकेट को क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए, यूज करना चाहिए, ठीक। चलिए आगे देखिए, सभी प्रकार के लाइट, सभी प्रकार का जो लाइट होगा, मतलब केवल लाइट की बात की, जिससे हमको प्रकाश मिले, ठीक है, क्या मिले, प्रकाश मिले, फर्श से ऊंचाई जो है 2.25 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। जो जितने प्रकार की लाइटें हैं, लाइट जो है वो जो है फर्श से उसका अधिकतम ऊंचाई 2.5 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2.25 मीटर होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को भी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं 10वां नंबर पॉइंट है हमारा कि लाइन या फेज चालक में फ्यूज लगाना चाहिए। लाइन या फेज वाला चालक है, जो लाइन वाला चालक है या फेज वाला चालक है, उसमें क्या क्या लगाना चाहिए, फ्यूज लगाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि घर में वायरिंग किया गया है, किसी रूम में वायरिंग किया गया है, अब इस रूम में कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ उसको मरम्मत करना है, ठीक, तो मरम्मत करना है तो लाइसेंसधारी जो व्यक्ति होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिशियन होता है, वो सबसे पहले क्या करता है कि देखता है कि इस पूरे रूम का जो है जो वायरिंग है किया गया है, तो ये जो इसमें मेन लाइन आ रहा है, ठीक है, फेज वाली वायर आ रहा है, उसका जो है फेज में, अभी बोला है कि लाइन या फेज में लगाना चाहिए, क्या चीज,
रहना चाहिए आपका ये क्या कहते हैं, क्या बता रहा था, फ्यूज, फ्यूज लगाना चाहिए। ठीक है, तो फ्यूज भाई कमरा में आ रहा है लाइट, तो फ्यूज को हम जैसे ही निकालेंगे फेज से, ठीक है, जैसे ही हम फ्यूज को निकालेंगे लाइट कट जाएगी और लाइट जो है परिपथ जो है बिल्कुल तरह से कट जाएगा, हट जाएगा, मतलब कि वो बिल्कुल खुला हो जाएगा। और जब खुला परिपथ हो जाएगा तो फिर भाई रूम में लाइट जाना बंद हो जाएगा, विद्युत का प्रवाह खत्म। ठीक है, तब जाके हम इलेक्ट्रिशियन जो है उसमें अपना जो भी बिगड़ा है चीज उसको सही करके वापस से उसको जो है फ्यूज को लगा देगा, तो फिर उसमें फिर बिजली जो है प्रवाहित होने लगेगी, बाकी वो सारा अपना उपकरण चलने लगेगा। ठीक, अब देखिए सभी प्रकार की नियंत्रक युक्तियां, सभी प्रकार की जो नियंत्रक युक्तियां जो है, जैसे कि स्विच आदि, यानी कि स्विच वगैरह जो हो गया, इसी चालक पर स्थापित किया जाना चाहिए। अब देखिए स्विच वगैरह जो आप लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, उसका स्विच लगाना है ऑन ऑफ करने वाला, तो वो जो है आपको न्यूट्रल पर नहीं लगाना है। ठीक है, उसको जो है अर्थिंग पर नहीं लगाना है, उसको कहाँ लगाना है, उसको हमेशा जो फेज वाला आ रहा है, मेन लाइन आ रहा है, फेज फेज जो आ रहा है वो हमेशा उस फेज पे लगाना चाहिए। ठीक है, जो फेज वाला है, फेज वाला केबल है उस पे लगाना चाहिए, ना कि जो है अर्थिंग या न्यूट्रल पे लगाना चाहिए, हमेशा फेज पे लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है कि फेज आएगा तो बिल्कुल वहां पे स्वतः बढ़िया जो है उसमें धारा प्रवाहित बिल्कुल नहीं होगा, तो हम आसानी से काम को कर सकते हैं बिना कुछ खतरे के। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद जो है आप लोग बिल्कुल या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए। और एक एक चीज इसमें का देखिए बिल्कुल भी क्वेश्चंस इसी में से आया हुआ है और इसी में से आएगा भी, तो जो भी है इस चीज को बिल्कुल बिल्कुल एकदम धैर्य पूर्वक इसको पढ़िए। और ये देखिए आप लोग को मैं बता दिया हूँ, ये भाग एक है अभी इसका, ये पहला भाग है, ये थोड़ा लॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस भी यहीं से ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, वो चाहे यूपीपीसीएल हो, चाहे एएलपी टेक्नीशियन हो, मतलब कि असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन हो, या यूपीआरबीएनएल हो, चाहे डीआरडी हो, एनपीसीआईएल हो, इसरो हो, ठीक है, कोई भी इंडिया में कोई भी एग्जाम हो रहा हो जिसमें इलेक्ट्रिशियन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं, इससे बाहर जो है नहीं होगा, बिल्कुल आप इसको तैयार कीजिए। ठीक है, और ये देखिए इसका कितना पार्ट जाता है, ठीक है, जितना भी पार्ट जाए आप लोगों को देखिए धैर्य बना के, मैंने क्या बोला, इसको धैर्य बनाकर इलेक्ट्रिशियन जो है ट्रेड को एकदम धैर्य पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। और आप लोग जानते हैं कि जब तक हम तैयारी नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तब तक भाई एग्जाम क्रैक होने वाला नहीं है। ठीक है, तो हमको मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, मेहनत करना ही पड़ेगा, बाकी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मेहनत के बल पे ही हम नौकरी को ले सकते हैं, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, हमको पढ़ना ही पड़ेगा, बाकी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, चलिए मिटाइए इसको। देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा पॉइंट है वो 11 नंबर पॉइंट है। क्या है 11 नंबर पॉइंट? 11 नंबर पॉइंट है, प्रत्येक उप परिपथ का वितरण बोर्ड जो है, प्रत्येक उप परिपथ का वितरण बोर्ड अलग अलग होना चाहिए। वितरण बोर्ड क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, बिल्कुल अलग होना चाहिए। मतलब कि क्या, कि प्रत्येक जो उप परिपथ होगा, हमने क्या बताया कि सबका अलग अलग एक बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक रूम का एक जगह एक बोर्ड, मतलब कि क्या चीज, कि एक रूम में एक बोर्ड एक जगह हो गया, एक बोर्ड हो गया, दूसरे रूम में एक बोर्ड हो गया, तीसरे रूम में फिर एक बोर्ड हो गया, ये नहीं कि अब सब में लगा दिया और एक जगह एक बोर्ड लगाया, नहीं, प्रत्येक परिपथ का एक 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 पार्टिकुलर अपना अपना बोर्ड होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? चलिए, एक्सटेंशन बोर्ड होना चाहिए। ये रहा 11 नंबर। अब 12वें नंबर पे आते हैं, तीन फेज एसी लाइन में, थ्री फेज एसी लाइन में यथासंभव, ठीक है, यथासंभव प्रत्येक फेज पर, तीन फेज होता है भाई, प्रत्येक फेज पर लोड संतुलित रखना चाहिए। अभी नहीं कि एक ही पूरा लाद दीजिए या दो को पे लाद दीजिए, ऐसा नहीं, तीनों पे लगभग यथासंभव कोशिश करिए कि जो है हम लोड बराबर दें, इक्वल रखें, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा कोई बात नहीं, रखना चाहिए। और तीनों फेज को लाल, पीला तथा नीला रंग द्वारा चिन्हित या इस रंग के तार का प्रयोग किया जाना चाहिए। कैसा, तीन फेज होता है,
लाल पीला और नीले उसका कलर होता है, वो तीनों क्या होता है किसको दर्शाता है, फेज को दर्शाता है, ठीक है, किसी को दर्शाता है, फेज को दर्शाता है, ठीक, समझ आ रहे हैं, यानी कि तीनों फेज पे लोड जो है इक्वल होना चाहिए, लगभग यथासंभव थोड़ा बहुत चले गए तो ठीक है, तो लोड इक्वल होना चाहिए। आगे देखते हैं 13th नंबर, मध्यम तथा उच्च वोल्टेज, मध्यम वोल्टेज क्या 650 वोल्टेज, उच्च वोल्टेज 11000 यानी कि 11 केवी, 11000 वोल्टेज कार्य करने वाली मशीनों पर, 11000 वोल्टेज पर कार्य करने वाली मशीनों जैसे कि ट्रांसफार्मर आदि की दोहरी अर्थिंग होना चाहिए, डबल अर्थिंग किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, दोहरी अर्थिंग यानी कि डबल अर्थिंग किया जाना चाहिए, होना चाहिए। फिर से देखते हैं, मध्यम तथा उच्च वोल्टेज के क्रमशः 650 वोल्टेज तथा 11000 वोल्टेज पर कार्य करने वाली मशीन जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गई, तो उसका जो है अर्थिंग जो है दोहरी अर्थिंग होनी चाहिए, ठीक है, क्या चीज, डबल अर्थिंग होनी चाहिए या किया जाना चाहिए। आगे देखिए 14 नंबर, किसी भी प्रकार की नई स्थापित वैद्युतिक वायरिंग में सप्लाई चालू करने से पहले, वायरिंग कर लिए उसको चालू करने से पहले जो है मेजर नामक एक उपकरण होता है हमारा, मेजर करता है मतलब कि मापता है, मेजर नाम का एक उपकरण होता है, यंत्र होता है, इसके द्वारा धारा लीकेज का परीक्षण आवश्यक रूप से कर लीजिए, कहीं धारा लीकेज करंट लीकेज तो नहीं हो रहा है, ठीक है, आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए, और लीकेज धारा का मान, लीकेज धारा का मान 5000 में एक भाग, पहला भाग यानी कि एक भाग में अंश से अधिक नहीं होना चाहिए, क्या यानी कि 5000 में से एक भाग जो है, एक भाग भी उससे अधिक नहीं होना चाहिए, किससे, धारा लीकेज का मान जो है 1/5000 में भाग अंश से अधिक नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रही है। आगे देखिए 15 नंबर है हमारा, लाइट फैन तथा पावर वैद्युत वायरिंग की स्थापना जो है वो भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के अंतर्गत ही होना चाहिए, ठीक है, भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के अंतर्गत ही लाइट फैन और वो जो है पावर वैद्युत वायरिंग की स्थापना जो है भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के अंतर्गत ही गाइडलाइंस के आधार पर होनी चाहिए, ठीक है, चलिए आप इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं आप लोगों को, इसको आप लोग नोट करिए, चलिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला जो है हमारा देखिए अगला जो है हमारा पॉइंट, अगला पॉइंट है हमारा लकड़ी के, 16वां पॉइंट है कि लकड़ी के बोर्ड, अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आएगा, पहले सुन लीजिए क्वेश्चन तो उसके बाद हम बता रहे हैं, जो लकड़ी का बोर्ड होता है वो कौन से लकड़ी का होता है, वो टीक वुड होता है, टीक का होता है, याद रखिएगा टीक वुड का होता है, ये याद रखिएगा एकदम, ठीक, ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा है, तो लकड़ी के बोर्ड यानी कि टीक वुड से बने होने चाहिए और सब ओर से वार्निश से आलेपित होना चाहिए, किस चीज से, वार्निश से आलेपित होना चाहिए, वार्निश से क्यों, क्योंकि वह जो है इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है, क्या चीज, इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है, आलेपित होना चाहिए, किस चीज से, वार्निश से, बोर्ड के चारों तरफ क्या है, वार्निश से आलेपित होना चाहिए, तथा कब्जा युक्त बोर्ड की मोटाई, अगर जिसमें कब्जा लगा हो, कब्जा वाला बोर्ड देखे होंगे ना, कब्जा वाला बोर्ड आप लोग, पहले होता था, ठीक है, ऐसे बोर्ड होता था, ठीक, ऐसे बोर्ड होता था, ऐसे जो होता है ये बोर्ड होता था पहले,
अब इस बोर्ड में क्या होता है, अब इसमें फाटक होता था, दरवाजा होता था, जैसे मान ली मैं इसको खोल देता हूँ, ठीक। अब इसमें जो है स्विच वगैरह लगा देते हैं, ठीक ठीक ना, मतलब इसको पीछे का हिस्सा समझिएगा, ठीक है, मेरी बात समझिएगा। अब इसको ये बंद कर देंगे तो ये कब्जा युक्त हो जाएगा, यहाँ पे लगा रहता था ऐसे, ये बंद। तो कब्जा युक्त बोर्ड की मोटाई जो है 6.5 से 8 सेंटीमीटर के बीच जो है होनी चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि लकड़ी के बोर्ड यानी कि टीक वुड से बने होते हैं, लकड़ी का बोर्ड किस चीज से बने होते हैं, टीक वुड से बने होते हैं या बने होने चाहिए। सब ओर से वार्निश से आलेपित होना चाहिए तथा कब्जा युक्त बोर्ड की मोटाई जो है 6.5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 6.5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए, ठीक है। अगला है हमारा 17 नंबर, देखिए, ठीक है, कह रहा है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 85 के अनुसार जो सिरोपरि लाइन होता है, ठीक, लाइन में दो पोलों के बीच, दो पोल है, देखिए जो सिरोपरि हमारा लाइन होता है, देखे होंगे ऐसा खंभा होता है ना, ये हमारा ऐसे खंभा होता है, ज्यादा चौड़ा बना दिया, कोई बात नहीं, बस समझ लीजिए, यहाँ पे जो ऐसा होता है ना, और ये पायर गया रहता है, तो क्या कह रहा है, ये गांव गांव में जो है जो जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, जो 11000 के अभी तक का जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके लिए, जो 11000 वोल्ट के लिए जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके लिए जो खंभा जो बीच में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वायर को जो है सप्लाई देने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, तो उन दो पोलों के जो बीच का दूरी होता होना चाहिए, वो होना चाहिए 67 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 67 मीटर दूरी होना चाहिए, या 220 फुट होना चाहिए, 220 फुट इसका बीच की दूरी होनी चाहिए, दो खंभों की दूरी या दो पोलों के बीच की दूरी, ठीक है, और इससे अधिक दूरी पर नहीं होनी चाहिए, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है, 67 मीटर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, इससे अधिक दूरी पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, इसको नोट करिए और फिर हम आगे हम पढ़ते हैं कंडक्टर, ठीक है, इसको नोट करिए पहले आप, चलिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चलिए मिटाओ इसको, ओके, इसको मिटाते हैं और हम आगे कंडक्टर पढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम क्या पढ़ेंगे, चालक यानी कि कंडक्टर, चालक यानी कि कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें विद्युत की प्रवाह आराम से हो जाए, दूसरे शब्दों में कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता, ध्यान दीजिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता वाले पदार्थ चालक कहलाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, वैसे जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, चालक को कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। इनमें जो है विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, विद्युत धारा जो है बिल्कुल आसानी से प्रवाहित होती है, किस चीज में, चालक में, ठीक है। इनके परमाणु के अंतिम कक्षा में जो है एक या दो या तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और देखिए अधिकांश धातुएं जो हैं चालक होती है, अधिकांश धातु जो पीरियोडिक टेबल है उसमें से अधिकांश जो धातुएं हैं वो चालक होती है, और सबसे बढ़िया जो है चांदी जो है एक बढ़िया चालक माना जाता है, ठीक है। उसके बाद तांबा है, सोना है, और एल्यूमिनियम आदि है। एक बार फिर से देखिए, कंडक्टर क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ चालक कहलाते हैं, जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, और इनके परमाणु के अंतिम कक्षा में एक या दो या तीन जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधिकांश धातुएं क्या होते हैं, चालक होते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो है आवर्त सारणी में जो अधिकांश जो धातुएं हैं उनमें जैसे कि चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, ये सब चीज जो है क्या होते हैं, अधिकांश धातुएं होते हैं, ठीक है। चलिए आगे है आपका अच्छे चालक के गुणधर्म। देखिए
कोई अच्छा चालक है उसका कुछ गुणधर्म भी होना चाहिए, कुछ उसका गुणधर्म क्वालिटी होना चाहिए। तो देखिए अच्छे चालक का क्वालिटी क्या है कि चालक जो होना चाहिए, देखिए पहला जो है हमारा चालक जो होना चाहिए, चालक पहले तो तन्य होना चाहिए, बिल्कुल तन्य होना चाहिए कि आसानी से लपेटा उपटा जा सके, ठीक है। और आघात वर्ध होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि बिल्कुल क्षण भंगुर नहीं होना चाहिए, यानी कि टूट जाए, ठीक है। आघात वर्ध वर्ध होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ठीक है। पहला इसका ये गुणधर्म होना चाहिए। दूसरा है चालक पर टीन और लेड का टांका लगाया जा सके, जिससे तार जोड़ दिए, तार दो मान लीजिए कैसे हम उसको ऐंठ दिए, और उस जोड़ को मजबूती या अस्थायित्व प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, टीन और लेड का जो है टांका लगाते हैं, सोल्डरिंग करते हैं, ठीक है, जिससे कि वो जो हमारा ऐंठा हुआ है यानी कि दो तार जोड़ा गया है उसमें टीन और लेड का जो है हम लोग उस पर टांका लगा देते हैं, ठीक है। चलिए टांका लगाया जा सके, ठीक है, और टांका लगाने के साथ जो है अस्थायित्व प्रदान हो सके, उसको अस्थायित्व मिल सके, ठीक है, ये भी गुणधर्म होना चाहिए। आगे देखिए चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए, विशिष्ट प्रतिरोध चालक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, कोई भी चालक है उसका विशिष्ट प्रतिरोध जो है बिल्कुल कम होना चाहिए, देखिए अगर विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा तो वोल्टेज का गिरावट तथा विद्युत शक्ति की खपत जो है कम होगी, विद्युत शक्ति की जो खपत होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है, कम होनी भी चाहिए, ये यही अच्छे चालक का गुण होना चाहिए। फिर क्या है, चालक ऐसा होना चाहिए कि वह वातावरण के प्रभावों जैसे कि नमी वर्षा धूप आदि से अप्रभावित रहे, ठीक है। अब ऐसा चालक ना ले लीजिए कि पता चले कि एक बार धूप लग गया एक बार बारिश हो गया तो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, फेंकना ही पड़ा, ऐसा नहीं, थोड़ा बढ़िया जो है स्ट्रेंथ का हम चालक यूज करते हैं, हम क्या चीज इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रिक में, ठीक है, विद्युत उपकरण में या विद्युत में, ठीक है। तो इस चीज को बिल्कुल आप लोग जो है, आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल एक एक चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज को आप लोग बिल्कुल नोट करते जाइए और इसको नोट करिए और फिर मैं आगे बताता हूं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ प्रमुख चालक, कौन कौन से चालक यूज में आते हैं, ठीक है, एक एक चीज हम बताएंगे जिससे क्वेश्चंस बनता हो। अब ये इससे भी है, देखिए अब क्या बोल दिया यहाँ पे कि चालक कैसा होना चाहिए, भाई चालक का क्वालिटी कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन दे सकता है चालक का क्वालिटी, दे सकता है नहीं है, देगा ही, ठीक है, चालक का क्वालिटी पूछ लेगा, ठीक है, चालक क्या होता है ये पूछ लेगा, चाहे एक लाइन दे देगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो ऑप्शन दे देगा कि चालक कहलाते हैं। तो ये सारा चीज जो है आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना है। अब देखिए अंतिम, देखिए अब चालक के परमाणु में, चालक जो होगा उसके परमाणु के अंतिम कक्षा में, जो चालक जिस धातु का बना रहेगा उस धातु के अंतिम कक्षा में जो है एक या दो या तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन में आ गया संयोजी इलेक्ट्रॉन एक दो या तीन, जिस किसी धातु के अंतिम कक्षा में अगर इतनी संख्या रहती है संयोजी इलेक्ट्रॉन रहता है तो बताइए वो क्या कहलाती है, तो चालक कहलाती है। तो ये चीज आप लोगों को बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बन सकते हैं या बनेगा भी, आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस चीज को एक एक चीज नोट करिए और नोट करने के साथ साथ इसको जो है रिवाइज भी करते रहिए, ठीक है। अच्छा चालक का गुण आपको बता ही दिया, तो ये सब चीज जो है आप लोग बढ़िया से नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए और वीडियो जो है एक एक वीडियो हर रोज का क्लास जितना भी आपको, मतलब कि यूट्यूब पे हम जब भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं उस चीज को आप लोग बिल्कुल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए और जो है आप लोग बिल्कुल हमेशा जो है क्लास को ज्वाइन करते रहिए, देखते रहिए। और आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल बने रहिए, धैर्य बनाकर रहने पर ही हमको सफलता मिलेगी। अगर हम जल्दीबाजी में कुछ करना चाहें तो बिल्कुल वो काम भी खराब होगा, ठीक है, उससे मन भी उब जाएगा और मिलेगा भी नहीं, सफलता मिलेगी ही नहीं। तो हमको धैर्य बना के करना है और जो है एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से, अच्छे लेवल से बिल्कुल हमको शुरू से एकदम बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। तो इसको नोट करिए हम, या स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, चलिए मिटाऊं इसको, ओके। चलिए दोस्तों देखते हैं हम प्रमुख चालक, कुछ मेन कंडक्टर्स देख लेते हैं, प्रमुख चालक देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं और उनका क्या प्रयोग है किस तरीके से, ठीक। देखिए आपका पहला है चांदी,
चांदी का जो आपका लैटिन नेम है वो अर्जेंटेनम है, जिसको हम एजी से प्रदर्शित करते हैं, किस से, एजी से। और इसका परमाणु क्रमांक 47 यानी कि 47 होता है। चांदी का परमाणु क्रमांक 47 होता है, जिसको हम एजी से इसको डिनोट करते हैं। और इसका जो लैटिन नाम है वो है अर्जेंटेनम। ठीक है, अब आगे देखिए। यह सफेद तन्य अघात वर्ध धातु होता है, यह सफेद कलर का होता है, तन्य होता है, अघात वर्ध एवं कम विशिष्ट प्रतिरोध वाला, कम विशिष्ट प्रतिरोध वाला धातु है। मूल्यवान होने के कारण इसका उपयोग जो है रिले 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 कॉन्टेक्टर्स या स्टार्टर्स के संयोजक बिंदु बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, पूछेगा कि जो है चांदी का उपयोग इलेक्ट्रिसिटी में, विद्युत में चांदी का उपयोग कहाँ होता है? तो चांदी का उपयोग जो है रिले कॉन्टेक्टर्स या स्टार्टर्स के संयोजक बिंदु बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यही पूछ सकता है क्वेश्चंस कि चांदी का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 47 होता है। चांदी को किस चीज से डिनोट करते हैं? तो एजी से। इसका लैटिन नाम क्या है? तो अर्जेंटेनम। ठीक है, चलिए। और देखिए, चांदी जो है बिल्कुल सबसे सुचालक वस्तु है। ठीक है, चांदी जो है इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक, प्योर सुचालक एकदम है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। आगे देखिए, तांबा, ये चांदी हो गया। अब तांबा देखिए, तांबा को सीयू से दर्शाते हैं, जिसको हम क्यूप्रम कहते हैं। और इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है, 29 होता है। यह मटमैली लाल रंग की होती है, मटमैली लाल रंग की होती है, क्या चीज? तांबा। ठीक है, लाल रंग की होती है। यह वातावरणीय परिवर्तनों को सह सकती है, वातावरणीय परिवर्तनों को सह सकती है। तांबा बोले तो कापर, समझ रहे हैं ना, कापर लिखता हूं, कापर। ठीक है, तो तांबा क्या होता है? कॉपर। इसका होता है लैटिन नाम क्यूप्रम होता है। 29 इसका क्या है? आपका परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, सीयू से इसको दर्शाते हैं। यह मटमैली लाल रंग की होती है और यह वातावरणीय परिवर्तन को क्या जो क्या करती है? सह सकती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सोना, एयू, ऑरम 79। एयू क्या है? इसका सिंबल है। ऑरम क्या है? इसका लैटिन नाम है। और 79 इसका परमाणु क्रमांक है। ठीक है, यह पीला रंग का होता है, जो ऑरम होता है यानी कि सोना होता है, जिसको हम इंग्लिश में गोल्ड कहते हैं, वो किस कलर का होता है? पीले रंग का होता है, जो विद्युतिक कार्यों के लिए नगण्य होता है, मतलब विद्युत कार्य में ना के बराबर यूज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन होता है क्या? ये कंडक्टर है, भले यूज ना होता हो लेकिन है कंडक्टर ही, ये याद रखिए। इसमें जो है विद्युत प्रवाहित होता है। ठीक है, आगे देखिए। एल्यूमिनियम, Al इसका सिंबल होता है और ये 13 इसका परमाणु क्रमांक होता है। 13 क्या होता है? परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक को जेड से दर्शाते हैं, तो जेड बराबर 13 होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13, याद रखिएगा। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, वो क्या होता है? 13 होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, यह सफेद रंग का जंग रोधी धातु है, यह किस कलर का होता है? एल्यूमिनियम सफेद रंग का जंग रोधी, मतलब कि इसमें जंग नहीं लगता है। भारतवर्ष में बहुत मात्रा में उपलब्ध होने के कारण तांबे के स्थान पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तांबे के स्थान पर इसका उपयोग किया जाता है, और कम प्राइस में भी मिलता है इसीलिए। परंतु तांबे जितना सुदृढ़ नहीं होने के कारण बहुत से वैद्युतिक कार्यों के लिए तांबा ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब तांबे ऐसा उतना सुदृढ़ तो है नहीं एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम को ट्रांसमिशन लाइन वगैरह में हम इसका यूज करते हैं। अब बाकी जो है, हम अगर फेरा बनाते हैं, ट्रांसफार्मर का क्वाइल बनाते हैं, इन सब चीजों में जो है तांबे का तार का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, ये था हमारा एल्यूमिनियम। आगे है टंगस्टन। टंगस्टन को डब्ल्यू से दर्शाते हैं, वो 74 जो है इसका परमाणु क्रमांक होता है, और वाल्फाम इसका लैटिन नाम है। ठीक है, यह गहरे स्लेटी रंग वाली उच्च गलनांक वाली तन्य एवं कठोर धातु है। क्या है? तन्य एवं कठोर धातु है। थोड़ा फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखिए, यहां से कई बार उठा के पूछा है। कैसे पूछा है? देखिए, टंगस्टन जो है इसका जो है डब्ल्यू से इसको दर्शाते हैं, टंगस्टन को।
74 क्या है इसका आपका परमाणु क्रमांक है, और ये वाल्फाम इसका जो है आपका लैटिन नाम है। अब ये किस कलर का होता है, तो गहरे स्लेटी रंग वाला होता है, ठीक है। और ये उच्च गलनांक वाली, कैसा कैसा किस गलनांक की होती है, उच्च गलनांक की होती है, एवं यह तन्य एवं कठोर होता है। क्या होता है, तन्य भी होता है और क्या होता है, ये तन्य एवं कठोर होता है, धातु है। इसका उपयोग विद्युत बल्ब एवं फ्लोरोसेंट ट्यूब, इसका उपयोग कहाँ होता है, विद्युत बल्ब एवं फ्लोरोसेंट ट्यूब के फिलामेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब का जो फिलामेंट होता है उसको बनाने में प्रयोग किया जाता है, किस इसका टंगस्टन का, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम प्रमुख चालक के बारे में अभी आज इतना देख रहे हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम देखेंगे, ठीक है। और भी चालक हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए हम एक बार इसको फिर से दोहरा लेते हैं। देखिए अर्जेंटिनम सॉरी चांदी है, चांदी का अर्जेंटिनम है, जिसको एजी से दर्शाते हैं, परमाणु क्रमांक 47 होता है। यह सफेद तन आघातवर्ध एवं कम विशिष्ट प्रतिरोध वाला मूल्यवान होने के कारण इसका उपयोग रिले कॉन्टेक्टर्स स्टार्टर्स आदि के रूप में किया जाता है। तांबा है, इसका क्यूप्रम होता है 29 क्या होता है परमाणु क्रमांक, और सोना जो है एयू होता है, ऑरम जिसका 79 जो है परमाणु क्रमांक होता है, और एल्यूमिनियम है हमारा जिसको एएल से दर्शाते हैं, 13 परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक को जेड से दर्शाते हैं, और टंगस्टन हुआ डब्ल्यू, 74 परमाणु क्रमांक होता है, और ये जो इसका लैटिन नाम होता है वाल्फाम होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं हमारे प्रमुख चालक में, और आगे और भी चालक कुछ पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आया हुआ है, सारा ये जो है एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। हम आगे भी पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, और ये भाग दूसरे में देखेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे इस। अभी हमारा यही अध्याय चलेगा, क्या जो है, चालक अचालक अर्ध चालक एवं वैद्युतिक केबिल, ठीक है, वैद्युतिक केबिल। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा भाग वन है, आगे हमारा भाग टू आएगा। तो देखिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का हम एक एक चीज, एक एक नोट हम आप लोगों को करवा रहे हैं, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल नोट करते रहिएगा, ठीक है। पहले तो इसको नोट करिए आप लोग, फिर मैं आपको बताता हूँ, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए अब देखिए आप लोग क्या करिए कि इस चीज को जितना भी आपको बताया जा रहा है, हमारा क्लास जो भी आप लोग जो भी लोग देख रहे हैं, आप लोग पहले तो इस वीडियो को पूरा शेयर करिए, दोस्तों के पास भेजिए, ठीक है, जो भी पढ़ने वाले लोग हैं उनके पास भेजिए, ताकि उन लोगों का बिल्कुल मतलब कि इलेक्ट्रिशियन का हम एक एक चीज बता रहे हैं, ताकि उन लोग भी इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से तैयारी करें और नोट्स बनाएं, और एक एक वीडियो में चीज को ध्यान से देखें, और कोई भी अगर परेशानी हो रही है, कोई भी समस्या हो रही हो, तो आप कमेंट में कमेंट करिए। और अभी तक आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जा करके तुरंत प्लेलिस्ट में जाइए और आप लोग देखिए, और आप लोग हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, और प्लेलिस्ट टेलीग्राम इंस्टाग्राम ये सब जो है, आप इससे जुड़ने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसका सारा लिंक जो है आप लोगों को बिल्कुल दिया गया है, और बिल्कुल एकदम मन से लगे रहिए, ठीक है। तो हम अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले नेक्स्ट क्लास में, भाग दो में, ठीक है, किस चीज के भाग दो में, चालक अचालक अर्ध चालक एवं वैद्युतिक केबल के भाग दो में हम मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।